अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पहले ये वीडियो आप देख लीजिए। देख लिया, अब ये वीडियो देखिए। आज रमजान का पहला रोजा है, चलिए इफ्तार बनाते हैं। ये भी देख लिया किसी ने क्या हकीकत बयान की है कि रमजान में दस्तरखान की नुमाइश न किया करें। यकीन मानिए, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इफ्तार के वक्त अपने बच्चों से आंख तक नहीं मिला सकते, अपने दस्तरखान के फोटोज सोशल मीडिया पर न डाला करें, क्योंकि हर रोजेदार आपकी तरह मालदार नहीं होता। मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि दौलतमंद और रईस लोग, मालदार लोग, चाहे जो ऐश करना चाहे करें, सबको अपना अपना हिसाब वहां देना है, लेकिन सिर्फ अपनी दौलत की नुमाइश न किया करें तो बहुत सारे गरीब लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। आपने देखा होगा, जैसे ही रमजान शुरू हो जाते हैं, लोग अपने इफ्तारी के दस्तरखान सजाकर, सहरी के दस्तरखान सजाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उसके वीडियोस बनाते हैं और दुनिया को बताते हैं कि देखो हमारे रमजान कितने शानदार जा रहे हैं। गोया वो कहना ये चाहते हैं कि तुम कितने गरीब लोग हैं और हमारे दस्तरखान देखो कितनी नेमतों से भरे हुए हैं। किस्म किस्म के फल फ्रूट है, किस्म किस्म के लज्जतदार खाने हमारे दस्तरखान पर लगे हुए हैं। इन लोगों को शायद पता नहीं है कि कितने गरीब लोग इन वीडियोस को देखते हैं, इन फोटोज को देखते हैं और अपनी फूटी किस्मत को रोते हैं, अपनी गुर्बत को कोसते हैं। उनकी आंखें भर जाती होगी कि काश हमें भी ऐसा दस्तरखान नसीब होता, काश हमें भी ऐसी नेमतों से हम भी मालामाल होते। मालदार लोग जितना खाना अपने दस्तरखान पर छोड़ देते हैं ना, उतना खाना किसी गरीब परिवार का पेट भरने के लिए काफी हो जाता है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्या मिलता है उनको अपने दस्तरखान और अपने खानों की नुमाइश करके? सारी दुनिया को बताने से उनको क्या इत्मीनान मिलता होगा, क्या खुशी मिलती होगी किसी गरीब को तरसा कर? क्या उन्हें पता नहीं उनकी वीडियोस हर घर में पहुंच रहे हैं, मालदारों के साथ गरीब भी उनको देख रहा होगा? नहीं पता? अगर पता है तो फिर क्यों करते हैं ऐसा? क्या इन मालदारों को, इन दौलतमंदों को, इन रईसों को यह पता नहीं कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो आज भी फाके से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको महीना भर का राशन भरने में पसीने निकल जाते हैं? रमजान उल मुबारक में खास करके ऐसी रियाकारी और ऐसा दिखावा बिल्कुल भी जायज नहीं है, बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इस तरह का दिखावा करके और गरीब की जान जलाकर वो लोग क्या समझते हैं कि इन्हें इनकी इफ्तारी का, इनकी सहरी का सवाब मिलेगा, अल्लाह खुश होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने दस्तरखान की नुमाइश करके गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। याद रखो, अगर किसी गरीब की आह निकल गई तो वो आसमान का सीना चीर कर सीधा अर्श तक पहुंचेगी। किसी अल्लाह वाले ने क्या खूब कहा है कि किसी गरीब का बर्तन अगर खाली रह जाए तो शाहों की सुल्तानियां जाने में देर नहीं लगती। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, गिजा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक गिलास दूध में दो चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए, घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुँचा दिया जाएगा।
ठीक है, एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा, क्यों नहीं होता, आप खरीदेंगे। हदीस में आता है कि कयामत के दिन सारे ईमान वाले सजदे में गिर जाएंगे अल्लाह के सामने, लेकिन दिखावा करने वाले, रियाकारी करने वाले सजदे में जाना चाहेंगे लेकिन उनकी पीठ तख्ते की तरह बन जाएगी, वो सजदा नहीं कर पाएंगे। और हदीसों में आता है कि रियाकार और दिखावा करने वाला मुनाफिक है, रियाकारी शिर्क है। और एक लंबी हदीस में है कि एक आलिम, एक शहीद और एक मालदार दिखावा करने की वजह से अल्लाह उन्हें जहन्नम में भेज देगा। मेरे भाइयों, क्यों इतने पाक महीने को खराब करते हो? सारे आमाल का दारोमदार नियतों पर है। नियतें दुरुस्त होगी और सिर्फ अल्लाह के लिए करने का जज्बा होगा, वही आमाल अल्लाह के यहां काबिले कबूल होंगे। सारे आमाल जो दिखावे के लिए किए गए हैं वो हमारे मुंह पर फेंक कर मार दिए जाएंगे। इसलिए रमजान में तो खास तौर से, और बाकी महीनों में भी, बल्कि सारी जिंदगी जो भी नेक काम करे सिर्फ अल्लाह के लिए करे, उसी की वैल्यू है, उसी की अहमियत है। इसलिए रमजान में, ईद में अपने खानों की, अपने कपड़ों की, अपने घरों की, अपने दस्तरखान की नुमाइश करके किसी गरीब को यह एहसास मत दिलाओ कि वो हमसे कमतर है। याद रखो, माल और दौलत अल्लाह की तकसीम है, उसने दिया है तो वो छीन भी सकता है, ये याद रखना। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिफ्ताही परफ्यूम्स के सारे इत्र अब परफ्यूम की शक्ल में एक नई खूबसूरत, दिलकश और दीदाज़ेब पैकिंग के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये 100 ml की ये बोतल है और हमारे सारे परफ्यूम्स, माशाल्लाह, हमको तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आप खुद तारीफ करते हैं। और हमारे सारे परफ्यूम्स लगाकर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.miftahiperfumes.com पर भी विजिट कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे नंबर और हमारी वेबसाइट के लिंक भी मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा, क्यों नहीं होता, खरीदेंगे।